रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फिश के पकौड़े, बड़ी मज़ेदार चटखादेदार जो पकौड़े हैं ना वो बनाएंगे। तो जिसके लिए हमने चीज़ें लेनी है, सबसे पहले एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च तो जो है 2 टीस्पून, और इसके साथ ये हम बाद में करेंगे, लेकिन ये हमने 4 टेबलस्पून लिया है जो बेसन है। ये हमारा बाद का काम है, पहला काम ये है। ये फिश ली है हमने 1/2 किलो, और उसके साथ हमने लिया है 2 टेबलस्पून जो है लेमन का जूस, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून लिया है जीरा, 1 टीस्पून लिया है धनिया पिसा हुआ। इसको गरम करके भून के फिर पीसना है आपने, और ये लिया गरम मसाला 1 टीस्पून, और काली मिर्च लिया 1 टीस्पून। अब ये चीज़ें सारी जो हैं ये हम फिश के अंदर मैरिनेट करते हैं, तो आपको साथ साथ बताते जाते हैं। और पानी जो है, पानी हमारा बेसन के लिए हमने लिया है, क्योंकि बेसन में पानी मिक्स करना है, मछली में पानी का कोई काम नहीं। अब हम सबसे पहले ग्लव्स डाल लिए हमने, क्योंकि कभी हम हाथ से वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन अब हमने ग्लव्स डाला है क्योंकि ये फिश की खुशबू कुछ ऐसी होती है कि फिर वो हाथों में आने लग जाती है। अब हम जो फिश ली है हमने कुछ बोनलेस है हमारी, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि बोनलेस ही लें, बोनलेस भी ले लेते हैं और साथ में हम दूसरी फिश भी ले लेते हैं जिसके अंदर बोन हो। तो ये हमारी बोनलेस है, लेकिन अंदर 1-2 पीस जो है वो बोन वाले। तो अब हमने इनको सबको एक धो के पहले वॉश करके अच्छी तरह फ्रीज कर दिया था, 1 घंटा हमने इसको फ्रीजर में रखा है। तो ये हमने अब सारी मछली जो है इसके अंदर डाल दी है, अब इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे नमक, फिर हम लहसुन को, जो हमारा लहसुन का पेस्ट है ना इसको हम डालेंगे लेमन के अंदर। कुछ इस तरीके से हमने इसको चीजों को मैरिनेट करके इसके अंदर डालना है। लहसुन को हमने पहले लेमन के अंदर डाला और फिर हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसको लहसुन को ये सारे पीसीस के ऊपर हाथ के साथ अच्छी तरह लगा देंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं इसको करेंगे, क्योंकि मछली जो है वो हाथों की ज्यादा सख्ती जो है उसके साथ टूटना भी शुरू हो जाती है। ये हमारी नरम सी जो है ना चीज होती है मछली, इसका गोश्त जो है ये बड़ा नरम होता है, इसको ज्यादा सख्त हाथों से करेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने सारे को लहसुन लगाना है, एक दफा लहसुन और लेमन जो हमारा मिक्स है ना ये हमने लेके सारी मछली को एक दफा लगा दिया, और नरम नरम हाथों से आप लगाते जाए, क्योंकि इसके लिए चम्मच वगैरह कम इस्तेमाल होते हैं, ये हाथ से ही ना सारा कुछ करना पड़ता है। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं अपने दूसरे मसाले सारे जो है। अब हम डालेंगे ये सारे मसाले जो हमने आपको पहले बता दिए वो सारे इसके अंदर डाल देंगे, और इधर हमने वो सब्ज मिर्च भी ली हुई है वो भी हमने थोड़ी सी इसके अंदर डालनी है, और ये हल्दी और मिर्च भी, बाकी जर्दा कलर जो है वो ऑप्शन है, अगर आपका दिल हो तो डाल ले, बाकी वो जरूरी नहीं है। अब सारा मसाला जो है ना वो इसके साथ जो है लगाते जाए पकड़ के एक एक करके, सारा मसाला जो है ना इनको सारी को पीसीस को अच्छी तरह लगाते जाए। ये हमारी सारी मछली जो है ना इसको मसाला लगना चाहिए। अब हम ऐसे एक एक करके सबको लगाते हैं, ऐसे ही आप एहतियात से बस एक एक करके लगाते हैं। बेसन हमने इसके अंदर नहीं डालना, बेसन का मैं तरीका आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने तरीके से बता रही हूँ, आप भी अपने तरीके से बनाते होंगे, लेकिन मेरे तरीके से भी बना के देखिए।
तो ये अब हमारी सारी जो मछली है वो उसके अंदर मसाला तो सारा लग चुका है। तो अब हम आपको ये हम ग्लास उतार देते हैं और हम आपको अगला स्टेप बताते हैं कि अगला स्टेप अब हमारा क्या है। इसको हम एक साइड पे करते हैं। अब हमारी मछली को मसाला लग गया सारा, तो अब हम ये बेसन हमने लिया 4 टेबलस्पून, 4 चम्मच जो है ना बड़े वाले, तो इसको हमने ले लिया है। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा सिरका डाल लें और उसके साथ फिर हमने पानी जो लिया था ये हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। इसको हमने इतना सा करना है कि ये ना इसके साथ मछली के लग जाए आसानी के साथ। थोड़ा सा पानी और डालते हैं क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा लेना है, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून जो पानी के हैं ना वो इसके अंदर जाएंगे सारे अंदाजे से जो है। तो ये हमारा पानी बस इतना ही जाएगा इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, चम्मच के साथ कर लें, हाथ के साथ कर लें, वो आपकी मर्जी है कि इसके अंदर ढेलियां सी जो ना वो ना बने। अच्छी तरह इसको बस मिक्स कर लें, क्योंकि जो ढेलियां है ना वो फिर जब हम उसको फ्राई करेंगे ना तो वो अंदर आएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने। और मछली अपनी पास कर लेते हैं क्योंकि पानी का काम अब खत्म हो गया, अब मछली का काम। तो अब हमने इसके अंदर एक एक पीस उठाना है उधर से, तो वो हमने ऐसे इसके ऊपर लगाना है ताकि सारा जो बेसन है ना उसके ऊपर लग जाए। ऐसे लगा के हमने इसको हाथ के साथ आराम से ऐसे लगाते जाए पकड़ के, सारे पीसेस को एक एक करके ऐसे हमने लगाना है। क्योंकि अगर हम उसके अंदर डालते तो ये ढेलियां भी बन सकती थी और वो फिर सारा अच्छे से नहीं लगना था सारी को। चिकन को तो अच्छे से लग जाता है अंदर, लेकिन इसको नहीं अच्छे से लगना था ना, जो इसको ज़्यादा चम्मच के साथ हलाना नहीं होता कि हमारी मछली जो है वो टूट ना जाए। लेकिन धोने के बाद अगर फ्रीज कर लेना इसको 1 घंटे के लिए तो फिर ये टूटती नहीं है। मैंने फ्रिज में ही रखी हुई थी क्योंकि सर्दियों में तो फ्रिज में भी रख लें तो काफ़ी ठंडक होती है, तो फ्रिज में नीचे ही रखी हुई थी तो काफ़ी ठंडी हो गई। ये ठंडी हो जाए तो फिर ये टूटती नहीं है। अब ये हमारा सारा जो है बेसन इसके ऊपर लग गया। अब हम इसको ना बाकी भी सारे को लगा लें फिर आपको दिखाते हैं। अब हमने सारी फिश को ना अपनी को बेसन लगा लिया अच्छी तरह, तो अब ये हमारा जो बॉल में मसाला बचा था ना इसको हम सारे को ऊपर डाल देंगे इसको, क्योंकि इसको हमने फौरन फ्राई नहीं करना। इसको हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे या 5 घंटे अगर इससे भी ज़्यादा चाहें तो मैरिनेट करके इसको रख लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम जब फ्राई करेंगे ना तो फिर ये बड़ी अच्छी इसकी जो है वो टेस्ट आए। तो अब हम वो मसाले को हाथ के साथ अच्छी तरह इसके ऊपर डाल देते हैं। तो इसको हम एक एक करके ना अब बॉल में रखते हैं, जिसमें हमने ना इसको ढक के रखना है। ढक के आप फ्रिज में रख दें, बेशक बाहर ठंडक है तो बाहर रख दें, लेकिन मैं इसको फ्रिज में ही रखूँगी। तो ये मैं सारे पीस एक एक करके इसके अंदर रख दूँगी। सारे पीस इसके अंदर चले गए और जो नीचे बेसन वाला मसाला है वो मैं सारा इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि इसके मैरिनेशन होने के दौरान वो इसके अंदर ही जाए। अच्छी तरह ये हो जाए मिक्स अच्छी तरह।
तो फिर इसको बाद में निकाल के आपके सामने फ्राई करें। अब हमने इसको 4-5 घंटे जो है ना वो रखा था, तो अब ये हमने इसको फ्रिज में से निकाल के तकरीबन 1.5 घंटा या 2 घंटे पहले ना इसको हमने वैसे ही रख लिया था। तो अब ये हमारी ठंडक भी कम हो गई है, तो जो मैरिनेशन के लिए हमने रखा था मैरिनेट के लिए वो भी सारा मुकम्मल हो गया है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं, तो आपके सामने दिखाते हैं कि फिश बेचारी का क्या हल्का हल्का बना हुआ है। तो अब ये कि वो देखो नरम नरम हो गई है, लेकिन मसाला भी उसके अंदर सारा जज़ब हो गया। तो अब हम एक एक पीस उठाते हैं। तो इसको उठा के ऑयल मैंने पहले ही ऊपर रख लिया हुआ कढ़ाई में डाल के गर्म करने के लिए, तो इसको उठा के एक एक पीस को तो उसके अंदर रखते हैं। ऐसे थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के तो एक एक पीस इसके अंदर रखते जाते। ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी क्योंकि जल ना जाए, तो पके भी इसका पानी भी ख़त्म हो और मसाला जो है वो भी इसका पक जाए। हम 4 पीस पहले रखेंगे फिर बाकी दोबारा रखेंगे इसके। तो अब हम इसको 3-4 मिनट एक साइड से पकाते हैं। पहले हमने घी को अच्छी तरह गर्म कर लिया था, लेकिन अब उसकी आग जो है वो हमने मीडियम पे रखी हुई है, क्योंकि मीडियम से तेज नहीं करनी, हल्की कर लेनी। तो अब हम इसको 3-4 मिनट पकाते हैं अच्छी तरह एक साइड से, फिर इसकी साइड उल्टा के आपको दिखाते हैं। अभी ये पक रहा है, लेकिन इसको भी हमने उल्टाना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्पेस बन गई है तो यहाँ पे एक पीस और रख देते हैं। आराम से एक पीस रख देते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पेस भी रहेगी और आराम से ये पकते जाएंगे। तो फिर अभी 1-2 मिनट ठहर के इनको उलटाते हैं, क्योंकि एक साइड से पक जाए ना तो फिर दूसरी साइड उलटाएंगे, फिर दूसरी साइड से 2-3-4 मिनट हम इसको पकाएंगे। लेकिन अगर हम कोई फर्क लगा थोड़ा सा, वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, 3-4 मिनट में या 5 मिनट में बिल्कुल सही पक जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको और क्रिस्पी करना हो तो फिर इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए पका लें, 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो अब मैं इसकी साइड उल्टा के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है हमारा पीस। ये देखिए ब्राउन भी हो गया माशाल्लाह से, और इसका पानी भी सॉस हो गया और इसका मसाला भी जो क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया। तो अभी ये तो तैयार हो गया, लेकिन अभी दूसरे जो हैं वो उनको भी उलटाते हैं और देखते हैं। ये देखते हैं ये भी तैयार हो गया एक साइड से, तो इसी तरह हम सबको उलटा देते हैं फिर जो पहले हमने रखे हुए। तो ये तो माशाल्लाह चारों के चारों जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं एक साइड से, तो ये अब दूसरी साइड से पकेंगे। और ये हमने बाद में रखा था, इसको अभी पकने देते हैं, और उनको भी इसी तरह हम 3-4 मिनट जो है ना इस साइड से पकाएंगे। तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने के लिए, लेकिन अभी इसको हम पकने देते हैं। आग थोड़ी सी स्लो नहीं करनी, लेकिन मीडियम पे हमने रखनी, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करनी। अब हमने इसकी दूसरी साइड उल्टा के आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक साइड से तो बिल्कुल तैयार हो गई है, दूसरी साइड पहले ही तैयार थी। तो हम फिर ज़रा थोड़ा सा चम्मच के साथ इसको प्रेस करके देखते हैं कि कोई पानी का ज़रा वगैरह ना अंदर रह जाए, क्योंकि फिर खाने में थोड़ी मज़े की नहीं लगेगी। लेकिन पानी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पहले ही इसके अंदर पानी जज़ब हो गया। तो अब हम एक दफ़ा लेकिन साइड उल्टा के सारी आपको दिखा देते हैं कि दूसरी साइड से भी कैसी हो गई। ऐसे थोड़ा प्रेस कर लें क्यों चम्मच के साथ, क्योंकि ज़रा अगर पानी का कोई ज़रा होगा तो वो इसका पक जाएगा और निकल जाएगा बाहर।
ये तो छोटे छोटे प्लेन प्लेन पीस है ना, कुछ पीस बड़े होते हैं उनके अंदर पानी का, ये हमारा बड़ा पीस है। तो इसको हमने जब उल्टाया ना दोबारा, तो इसके पानी के कड़कने की आवाज़ आ रही है अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ थोड़ा थोड़ा पानी है। जो प्लेन है हमारे पीस वो तो वैसे ही तैयार हो चुके हैं, उनको हमने दबाया भी है, प्रेस किया अच्छी तरह, लेकिन उनके अंदर पानी नहीं। हाँ जी, जो बड़े पीस होते हैं ना उनको ऐसे ज़रा थोड़ा सा साइड पे करके भी पका लेना चाहिए, क्योंकि ज़रा पकी हुई जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे तो ये पकी जाती है, इस बेचारी का जो होता है ना गोश्त वो थोड़ा नरम ही होता है मछली का, तो इसको, लेकिन ये कि जब साइड से भी पक जाएगी, बच्चे बड़े सब क्रिस्पी चीज़ें आजकल पसंद करते हैं, तो इसको ऐसे ज़रा दबा लें, क्योंकि यही पीस हमारा बड़ा था अंदर, तो उसको हम दबा के पका रहे हैं। बाकी हमारा हमने प्रेस किया, बाकी में कोई पानी का ज़र्रा वगैरह नज़र नहीं है। तो इसको हमने अब साइड से भी देखें ब्राउन कर दिया, दिखा दिया आपको, तो इसको एक दफ़ा साइड फिर उसी तरफ कर देते हैं कि ज़रा पक जाए अगर कोई पानी का ज़र्रा है अंदर। बाकी ये हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, इसको अब हम निकालते हैं अंदर से और दूसरी अपनी जो है वो अंदर डाल। अब हमने वो निकाल ली है जो तैयार हो गई थी हमारी, वो प्लेट में निकाल के रख ली है। तो अब हमने जो दूसरे बकाया पीस है उसको इसके अंदर रख देते हैं सारे। मसाला अच्छी तरह हाथ के साथ ऊपर लगाते जाएं। पहले भी हमने 5 पीस फ्राई किए हैं, तो अब भी जो है 5 वो सारे आसानी से इसके अंदर आ गए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी स्पेस बस रख लें अंदर, एक दूसरे के साथ ना मिलें ये। तो अब हमने इसको, ये भी उसी तरह करते हैं जिस तरह वो किया, रिपीट के एक दफा एक साइड से हम 4-5 मिनट पकाते हैं पहले, तो फिर इसको साइड उल्टा के आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये उससे भी ज़्यादा प्यारी फ्राई हुई है, क्योंकि अब घी हमारा गर्म हो चुका था, पहले घी ठंडा था, तो इसलिए थोड़ी सी ना उसको साइड उल्टाना पड़ा था हमें दूसरी दफ़ा से। तो अब ये एक दफ़ा से ही माशाल्लाह से बहुत प्यारी तैयार हो गई है, तो इसी तरह हम इसको भी पकाते जाते हैं जिस तरह उसको पकाया था। अब हमने दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना, और इसके साथ एक बड़ी मज़े की मैं चटनी आपको बताऊंगी, जो मैं खुद से बना के आपको बताती हूँ कि इसके साथ आप वो खाइएगा। वैसे तो इसके साथ चटनी दही वगैरह की भी बना लेते हैं, लेकिन जो चटनी मैं आपको बताती हूँ ना वो बहुत टेस्टी है, आप वो खाइएगा इसके साथ। तो अब ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बन गई है, आप ऐसे ही बनाइएगा घर में, क्योंकि बाज़ार से लाने की बजाय खुद घर में बनाएं। तो ये देखिए इतनी आसानी से और इतनी जल्दी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको फिर 5-7 मिनट पकाती हूँ इस साइड से, 5 मिनट तकरीबन। तो 5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ फिर इसकी साइडें पकाऊंगी, क्योंकि इनमें भी एक दो पीस ज़रा बड़े हैं ये वाले, तो इनकी साइडें हमने पकानी है। बाकी ये माशाल्लाह से क्रिस्पी और मसाला हमारा सारा तैयार हो चुका है। तो उतनी देर में मैं अपनी चटनी का सामान तैयार करती हूँ, तो इसको अभी पकने दें। और जो फिश के साथ मैं आपको चटनी बताती हूँ, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले धनिया लिया है, सबस धनिया थोड़ा सा, उसको साफ करके वॉश कर लिया अच्छी तरह, और उसके साथ लिए 2 सबस मिर्च, 1/2 टमाटर काट लिए मैंने, अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो फिर ज़्यादा डाल लें इसके अंदर, लेकिन फिलहाल मैंने थोड़ी बनानी है तो मैंने इसके साथ वो काट लिया 1/2। इसमें चम्मच का तकरीबन 1/4 हिस्सा जो है वो काली मिर्च डालूंगी, और 1/4 हिस्सा ही नमक इसमें डालूंगी, और 1 टीस्पून जो है वो इसमें जीरा डाल दें, पिसा हुआ जीरा डाल दें, साबुत डाल दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इसके अंदर नींबू का रस डाल देंगे थोड़ा सा, एक नींबू जो है ना उसका रस निकाल के इसके अंदर डाल दें,
तो अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह। अब ये तैयार हो चुकी है, सिर्फ इसको तैयार होने में 2 मिनट लगते हैं। अब ये तैयार हो चुकी है, इसको तैयार होने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला था, तकरीबन 2-3 चम्मच जो है, 2-3 टेबल स्पून, तो उसके साथ ये तैयार हो चुकी है। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बड़ी मजेदार चटनी है। आप बना के फिश के साथ देखे खा के तो आपको पता चलेगा कि ये कैसी मजे की है। तो अब मैं उधर, अब मेरी फिश भी तैयार हो चुकी है, इसको मैं प्लेट में डालती हूँ और मैं फिश को निकालती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये भी माशाल्लाह बड़े क्रिस्पी से हमारे पीस तैयार हो चुके हैं सारे। तो अब हमारी चटनी जो है वो भी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको निकालते हैं और सर्व करते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।